हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज आपके साथ एक और ब्लाउज़ की बैक नेक डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। यदि पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए, मैंने एक गोल्डन कलर का कपड़ा लिया हुआ है और जो उसकी लेंथ नहीं, मतलब ये शोल्डर पे जो लिया है वो 6 इंच है और ये इसका जो मैं बैक में नेक बनाऊँगी वो उसकी डीपनेस 3 इंच है। इस तरीके से मैंने ये हल्का सा हाफ बोट नेक समझ लीजिए, ये इस तरीके से है। इधर से आपको ये निशान लगा लाना है। ये अस्तर का कपड़ा है, इस पर इस तरीके से बनाया है और 3 इंच का आपका ये शोल्डर छूट जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको इसको क्या करना है, कट कर लेना है। लेंथ मैंने इसकी 14.5 इंच रखी हुई है। यहाँ से अभी आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको 5 इंच पे, मतलब मैंने टोटल 10 इंच लिया है बैक साइड में, तो इसको आप 5 इंच पर एक निशान लगा लीजिए। और यहाँ से आपको क्या करना है, 2 इंच पर एक निशान लगा लीजिए, 2 से 2.5 इंच जितना आप चाहें। 1.5 इंच मैंने लिया हुआ है, 1.5 इंच पर। ज़्यादा हाइट में होगा तो फिर नीचे से स्टेप वगैरह दिख सकती है, इसलिए मैंने इसको कम किया है। 1.5 इंच पे आप एक निशान लगा लीजिए। इस तरीके से 5 इंच लेंथ होगी और विड्थ इसकी 1.5 इंच होगी। इस तरीके से इसका एक चौकोर सा बॉक्स करके कट करके इसको हटा दीजिए, तो ये आपका बैग में डिज़ाइन बन जाएगी। अभी आपको इसको क्या करना है कि मैन फैब्रिक के साथ इसको अटैच कर लेना है। पिन से अटैच कर लीजिए इसको। कच्चा नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी हम इसको पलटेंगे, इसलिए। तो अभी आप इसको मैन उससे पिन से अटैच कर लीजिए। और अभी आप इस पर क्या करिए, यहाँ पे सिलाई लगा दीजिए। जो मैंने नीचे की तरफ एक बॉक्स जैसे बनाया है, इधर पे भी आप एक सिलाई लगा दीजिए और एक आप नेक पे सिलाई लगाएंगे जो हमारी वोट नेक बनी हुई है उस पर। इस तरीके से आप वोट नेक पे भी सिलाई लगा दीजिए। अभी हम इसको क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा हमारा बाहर फैब्रिक निकला हुआ है, मैन फैब्रिक का कपड़ा, उसको कट कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे छोटा छोटा कट लगा देंगे, नेक पे भी छोटी छोटी कटिंग कर देंगे। और इसके बाद आपको क्या करना है कि इसको पलट लेना है टोटल कपड़ा। तो आपका नीचे भी ये अटैच हो गया है और नेक पे भी अटैच हो गया है। तो यहाँ पे बस अब आपको क्या करना है कि ऊपर और नीचे, नेक की तरफ और नीचे की तरफ, दोनों तरफ आप या तो फिनिशिंग वाली सिलाई लगा दीजिए, नहीं तो बाद में इसको लेस अटैच करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही स्टिच हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये अच्छे से कॉर्नर पॉइंट बाहर की तरफ सही से फिनिशिंग से निकाल दीजिएगा, ये तरीके से। अभी हल्का सा ये हार्ड कपड़ा है तो आप प्रेस भी कर सकते हैं या फिनिशिंग की सिलाई लगा सकते हैं। मैंने फिनिशिंग की सिलाई लगा दी है। अभी आप पीछे की तरफ प्लेट्स लगा दीजिए। जो प्लेट्स ये छोटी छोटी पड़ेगी क्योंकि नीचे हमने करीब 1.5 इंच की कटिंग तो कर ही दी है, तो ये 4 इंच की होती है, तो 2.5 इंच की प्लेट आप लगा सकते हैं। अभी हम इसका नेक कटिंग करेंगे अंदर की तरफ, जो डिज़ाइन हमने डाली हुई है उसके लिए आपको 3 इंच ले लेना है। 3 से 3.5 इंच, 3.5 इंच मैंने लिया हुआ है, 3.5 इंच आप ले लीजिए। और ये 7 इंच इसकी हाइट है, 7 इंच के अंदर ही बनेगा ये। तो 1 इंच पे आप यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर लीजिए और इसके अंदर ही आप इसका डिज़ाइन बनाइए। तो इस तरीके से ये मैंने एक शेप दे दिया है। इसको कट कर दीजिए आप। बाहर के लिए फिनिशिंग कितनी नीड नहीं होती है, हमको फिनिशिंग की नीड अंदर की तरफ होती है, क्योंकि जब हम अंदर की तरफ की ही फिनिशिंग दिखाई देगी, बाहर का बकरम तो पलट जाता है, तो वो तो आपका पीछे की तरफ चला जाता है। तो बहुत ध्यान रखना होता है कि बकरम आप जब अंदर की तरफ से कटिंग करें नेक को, तो उसकी फिनिशिंग आ जाए। इस तरीके से देखिए हमारा एक कटिंग हो गई है। अभी हम इसको अस्तर वाले कपड़े पर अटैच कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से एक कपड़ा ले लीजिए आप, जो आपने अस्तर में यूज़ किया है, और उसमें आप इसको अटैच कर लीजिए पिन से।
अभी आप क्या करिए कि जो भी आपने बैग का कपड़ा है हमारा पल्ला है उसको लीजिए और उसका एक सेंटर पॉइंट बना लीजिए, ठीक है। तो दोनों बराबर से बिठा के और एक चौक से लाइन ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो हमने डिज़ाइन बनाई थी उसका भी सेंटर पॉइंट बना लेना है और दोनों को एक सेंटर लाइन पर बिठा देना है इस तरीके से, और इसको आप पिन से अटैच कर दीजिए। अभी आप अंदर की तरफ से सिलाई लगा दीजिए। अभी हम पिन रिमूव कर देंगे और अंदर की तरफ आप छोटा सा कट लगाइए। उसके बाद अंदर का फैब्रिक आप कट कर मतलब हटा दीजिए कट करके, और फिर छोटा छोटा कट लगा के आप बकरम को अंदर की तरफ से पलट दीजिए। देखिए इस तरीके से हमारा ये अंदर का डिज़ाइन तैयार हो गया है। अभी इसमें मैंने क्या किया है, पाइप वाली लेस लगाई हुई है। तो पाइप वाली लेस लगाने के लिए मैंने ना देखिए यहाँ से इस तरीके से एक आपको जितने में लगाना है, मैंने हाफ़ एक शेप बनाया था इस तरीके से। मैंने एक चौक से दोनों तरफ का बराबर से निशान लगा लिया है सेंटर में मुख फोल्ड करके, और इतने एरिया में मैं इसमें पाइप वाली लेस लगा दूँगी। क्योंकि आप पूरे में लगाएंगे तो पाइप इस तरीके का होता है कि वो फिर आपके अच्छा नहीं लगेगा बैक में, इसलिए इसको हाफ में ही लगाइए। इस तरीके से इसको अंदर की तरफ से आप धप अटैच कर दीजिए और स्टिच कर दीजिए, और बहुत आराम से लगाना पड़ेगा क्योंकि ये पाइप पलटते हैं तो हमारी सुई के नीचे आ सकते हैं मशीन की, तो इसलिए आप इसको बैलेंस बना के धीरे धीरे लगाइएगा। पाई वाली लेस को आप कमर के शेप जो डिज़ाइन बनाया है उसमें भी आप लगा दीजिए बैक साइड में। इसको भी थोड़ा सा बैलेंस करके लगाइएगा, और ये दोनों ही लेस बैक तरफ से लगाई जाएंगी, बैक साइड से मतलब कि उल्टे तरफ से लगाइएगा तो आपके जो डिज़ाइन है वो सामने से आएगी, बहुत अच्छे से दिखेगी। और हम इसके ऊपर से नए मतलब जो दूसरी लेस है, आपको जो भी लगानी है कंट्रास्ट लगानी है गोल्डन ही लगानी है, मैंने गोल्डन ही यूज़ की है, तो इसमें दूसरी तरफ से आप गोल्डन लेस भी लगा दीजिए तो ये और भी खूबसूरत दिखने लगेगा। ये देखिए इस तरीके से बन गया है। अभी बाकी जो बकरम का हमने शेप बनाया था अंदर नेक पे, उसमें हम सारी जगह पे तुरपन करेंगे। ये देखिए हमारा इस तरीके से बन गया है। अभी हम इस पर क्या करेंगे कि लेस लगाएंगे, तो जो गोल वाला ये शेप है इस पर भी मैं लेस लगा दूंगी। इस लेस को भी आप थोड़ा सा बैलेंस करके लगाइएगा क्योंकि ना ये पाइप बहुत डिस्टर्ब करते हैं अटैच करते समय, ये हमारे अंदर की तरफ नहीं वहाँ पलट जाते हैं तो फिर उससे हमारी सुई टूटने का बहुत रिस्क होता है, इसलिए आप थोड़ा बैलेंस करिएगा इस तरीके से। खासकर बिगनर्स के लिए तो प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम लगाएंगे या आप पहले भी लगा चुके हैं तो सही से बैठ जाएगी। देखिए इस तरीके से लगा दिए मैंने, लेस लगा दिए, देखिए बहुत ही खूबसूरत सा बन गया है बैक डिज़ाइन। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा, और जो नए लोग आए हैं वो भी मेरे जो नए लोग मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं वो भी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।